Good morning, kids. Let us start our subject EVS. In our previous video, we started lesson number 8. So, today we will continue that chapter. So, open your EVS book at page number 41. See, kids, this is page number 41 of lesson number 8. Write today's date on this page. Let us start to read the lesson. A happy

मतलब कि बेटा आ, फैमिली तभी हैप्पी रह सकती है अगर फैमिली के सभी मेंबर जो हैं वो काम को मिल बांट के करें उसको शेयर करके काम को करें ठीक है आई कीप कीप मींस रखना माए क्लोथ्स मीन्स कपड़े इन सी यू पी कप बी ओ ए आर डी बोर्ड कप बोर्ड कप बोर्ड बोलते हैं बेटा अलमीरा को आई कीप माई क्लोथ इन अ कप बोर्ड देखिए यहाँ पर एक बॉय जो है पिक्चर में देखिए बेटा वो क्या कर रहा है वो अपने क्लोथ्स कहाँ पे रख रहा है कप बोर्ड के अंदर रख रहा है ठीक है इसलिए तो वो कह रहा है दैट आई कीप माई क्लोथ इन ए कप बोर्ड मतलब कि वो काम को शेयर कर रहा है अपने क्लोथ्स वो खुद से अपनी कप बोर्ड के अंदर रख रहा है इसी तरह बेटा आप बच्चे भी काम को शेयर कर सकते हैं घर में जो छोटे मोटे काम होते हैं वो आप खुद से कर सकते हैं इस तरह से फैमिली की हेल्प भी हो जाती है और आपको काम भी करना आ जाता है आगे देखिए नेक्स्ट देखिए बेटा माई माई मीन्स मेरी सिस्टर सिस्टर मीन्स बहन डस्ट डस्ट, डस्ट मीन्स होता है बेटा धूल मिट्टी साफ करना द हाउस माई सिस्टर डस्ट द हाउस अब देखिए ये बॉय बोल रहा है कि जो मेरी सिस्टर है वो हाउस की डस्टिंग करती है डस्टिंग होता है बेटा धूल मिट्टी साफ करना देखो हमारे घर में जो फर्नीचर होता है सामान होता है उस पर क्या लग जाती है बेटा धूल मिट्टी लग जाती है उस पर ठीक है तो अगर हम उसको डेली साफ ना करें डस्टिंग ना करें तो इससे वो सामान क्या हो जाता है खराब हो जाता है तो ये लड़की क्या कर रही है उस सामान की डस्टिंग कर रही है इस तरह से वो क्या कर रही है काम को शेयर कर रही है ठीक है ऊपर जो बॉय था वो क्लोथ्स रख के काम को शेयर कर रहा था अपने क्लोथ खुर्से में के अंदर रख रहा था और ये उसकी जो सिस्टर है वो क्या कर रही है हाउस की डस्टिंग कर रही है ओके तो इस तरह से ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा काम को शेयर कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली के काम में हाथ बटा रहे हैं ओके नेक्स्ट देखिए वी वी मीन्स हम हेल्प मीन्स मदद करना आवर फादर टू लुक आफ्टर लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना द प्लांट्स प्लांट मीन्स पौधे वी हेल्प अवर फादर टू लुक आफ्टर द प्लांट्स अब देखिये ये जो दोनों बच्चे हैं बेटा तो वो क्या कर रहे हैं वो अपने फादर की हेल्प करते हैं किस काम में प्लांट्स की देखभाल करने में ओके तो इस तरह से वो अपने फादर के साथ काम को क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं ओके नाउ लेटस सी नेक्स्ट पेज आई वाइप वाइप मीन्स पहुंचना द पी एल ए टी एस प्लेट्स बिफोर बिफोर मीन्स पहले ई ए टी आई एन जी ईटिंग आई वाइप द प्लेट्स बिफोर ईटिंग अब इस पिक्चर में देखिए बेटा ये बॉय क्या कर रहा है ये प्लेट्स को वाइप कर रहा है मतलब कि उनको पहुंच के सुखा रहा है तो ये क्या कह रहा है कि आई वाइप द प्लेट्स बिफोर ईटिंग खाना खाने से पहले मैं प्लेट्स को वाइप करता हूं मतलब उनको पहुंचकर सुखाता हूं मतलब कि ये क्या कर रहा है काम को शेयर कर रहा है अपने मदर की हेल्प कर रहा है ये ओके क्योंकि इतना छोटा सा काम तो ये बच्चा खुद कर सकता है ना तो इसलिए ये काम को शेयर करवा रहा है नेक्स्ट माय मदर कुक्स कुक्स मींस होता है बेटा खाना पकाना टेस्टी फूड फॉर ऑल ऑफ अस अब देखिए फैमिली में मदर क्या करती हैं माय मदर कुक्स टेस्टी फूड फॉर ऑल ऑफ अस मेरी जो मदर हैं, वो सम tasty, tasty है वो हम सबके लिए टेस्टी टेस्टी फूड पकाती हैं ठीक है ठीक है तो वो भी क्या कर रहे हैं बेटा काम को शेयर कर रहे हैं वो घर में सबके लिए टेस्टी फूड पकाते हैं ओके नेक्स्ट माय ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बेटा मींस दादा दादी लुक आफ्टर आस लुक आफ्टर मींस बेटा ध्यान रखना देखभाल करना वेन वेन मीन्स होता है जब आवर पेरेंट्स मीन्स माता पिता गो आउट टू वर्क इसमें देखिए माई ग्रैंड पेरेंट्स लुक आफ्टर अस वेन अवर पेरेंट्स गो आउट टू वर्क वो बच्चे बता रहे हैं कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं मतलब कि मेरे दादा दादी हैं वो हमारी देखभाल करते हैं जब हमारे पेरेंट्स काम के सिलसिले में बाहर गए होते हैं तो इस तरह से जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं काम को शेयर कर रहे हैं वो उस टाइम बच्चों का ध्यान रख रहे हैं जब उनके माता पिता घर पे नहीं है ओके तो यहाँ पर बेटा इस लेसन में आज हमने क्या सीखा कि सभी मेंबर्स को फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं सभी को काम में हेल्प करनी चाहिए काम को शेयर करना चाहिए ताकि काम का बर्डन किसी एक जने के ऊपर ना जाए मिल बांट कर काम करने से काम भी जल्दी हो जाता है ठीक है और हमें बच्चों को भी काम करना आ जाता है ओके आगे देखिए वी शुड रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट मीन बेटा आदर करना आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड लव दम वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड लव दमें अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मतलब कि उनका आदर करना चाहिए एंड लव दम और उनको प्यार करना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं करना की सिर्फ अपने पेरेंट्स की हेल्प करो उन्हीं का आदर करो नो no. सबकी हेल्प करनी चाहिए पेरेंट्स की भी ग्रैंड पेरेंट्स की भी और सभी को क्या करना चाहिए लव करना चाहिए मतलब सभी को प्यार करना चाहिए वी शुड हेल्प ईच अदर ईच अदर होता है बता एक दूसरे के साथ बाय शेयरिंग द वर्क वी शुड हेल्प ईच अदर बाय शेयरिंग द वर्क हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए काम को शेयर करने में ठीक है तो बेटा आज हमने इस लेसन में यही सीखा है कि फैमिली में सभी मेम्बर्स को काम जो होता है फैमिली को उसको शेयर करना चाहिए अब देखिये जो फैमिली में फादर होते हैं वो क्या करते हैं वो घर से बाहर जाकर काम करते हैं ठीक है घर के उसके लिए फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पैसे कमाते हैं और जो मदर होती हैं वो घर पे रहकर सबके लिए टेस्टी टेस्टी फूड पकाते हैं घर पे जो चिल्ड्रन होते हैं वो छोटे छोटे कामों में फैमिली की हेल्प करते हैं फैमिली के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों की देखभाल करते हैं ओके तो इस तरह से सभी को फैमिली के सभी मेंबर्स को काम को शेयर करना चाहिए तो ये था बेटा हमारा आज का लेसन नाउ यू विल रीड दिस लेसन आज आपने बेटा अच्छे से इस लेसन को रीड करना है एंड आफ्टर दैट यू विल राइट सम न्यू वर्ड फ्रॉम दिस लेसन ऑन यूर ईवियस नोटबुक इस लेसन में बेटा हमारे कुछ वर्ड्स आए हैं आपने उनको कॉपी पर लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है सी केट्स हेयर आर सम न्यू वर्ड फ्रॉम लेसन नंबर एट नंबर वन ओडबल एफ आई सीई ऑफिस नंबर टू टी ई ए सी एच टीच नंबर थ्री टी ए के ई टेक सी ए E, केयर टेक केयर मीन्स बेटा ध्यान रखना देखभाल करना एस एच ए आर ई एस शेयर्स, शेयर्स मीन्स मिल बांट के करना सी यू पी कप बी ओ ए आर डी बोर्ड कप बोर्ड कप बोर्ड मीन्स अल्मीरा डी यू एस टी एस डस्ट P L A N T S, Plants. T A S T Y, Tasty. R E S P E C T, Respect. W I P E Y. So, kids, you will write these new words on your EVS notebook and will do practice of these words. Ok beta? Now, bye. Thank you.